सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी सुनो सुनो जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी आज मधुबन के इस प्रांगण में बैठते हैं तो बाबा की वह पुरानी यादें आती है कि साकार बाबा ने हमें कैसे ज्ञान योग से सिंगारा और कैसे उनकी हमें पालना मिली। मम्मा को बाबा को देखा आज से 45 वर्ष पूर्व की ये बातें हैं जब यहाँ आए और बाबा से मिले। उसके पहले ही बाबा क्या है चीज है कौन है उसका कुछ भी पता नहीं था और बाबा की याद के साथ कुछ इस जीवन की कड़ियां भी बचपन से ही ऐसी जुड़ी हुई है जो याद आती है कि जब मैं 1 साल की थी तभी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और जब 4-5 साल की हुई तो मुझे कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे तो उस संकेत को इतना उम्र के हिसाब से मैं समझ नहीं सकती थी लेकिन इतना एहसास होता था कि मेरे पीछे कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो कोई कार्य कर रही है। और फिर जब मैं 12-13 साल की हुई पढ़ती थी स्कूल में जाती थी तो उस समय पर अमृत वेले स्वप्न में कहो वा नींद में जो सच्चा कहो जो भी कहो उस समय ये साक्षात्कार कहो दर्शन कहो जो हुआ स्वप्न में ही मैंने देखा शिव को जो मैं शिव और शक्ति को बहुत मानती थी। आज कुछ अनुभव याद आ रहा है आपके सामने बताने का। तो जब पांडव भवन में आते हैं बाबा की ये मीठी मीठी यादें आती है प्यारी मम्मा की दादियों की सभी की याद आती है उनकी साकार की पालना परवरिश रग रग में जो भरी हुई है वो तो इस जन्म जीवन का परंतु हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं ऐसी उनकी अविस्मरणीय यादें हैं। तो जब ही मैं 13 साल की हुई तो मुझे सवेरे 3 बजे ऐसे सपन देखा कि शिव के मंदिर में गई हूँ शिवलिंग की पूजा किया है और पूजा करके मैं बाहर निकल रही हूँ तो मुझे जैसे किसने रोका कि बच्ची ठहरिए ठहरिए और मैं बाहर निकल रही थी वापस आई और शिवलिंग के आगे वापस खड़ी रही। जब खड़ी रही तो मैंने उस समय पर शिवलिंग को शिवलिंग के रूप में नहीं देखा लेकिन बहुत ही एक चमकता हुआ ज्योति का प्रकाश का जैसे ऐसे कब देखा और उसमें से बहुत ही गहन बहुत महीन सूक्ष्म
आवाज कौन कर रहा है क्या कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि में वो टच हो रहा है कि जैसे मुझे वो उसमें से आवाज आई कि बच्ची मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, ऐसे तीन बार आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। 3:30 बजे थे जब देखा घड़ी में, तो फिर मन में ये रह गया कि इतना तो मैंने सुना कि मैं आ चुका हूँ, पर ये तो पूछना रह गया कि भगवान ने प्रभु आप कहाँ आ चुके हो। फिर मैं वापस ध्यान में ही बैठ गई और बहुत कुछ वो ही सोच चला कि मुझे ये तो बता के जाइए कि आप कहाँ आ चुके हो प्रभु, इतना ही आधा बताया, अभी इतनी भरी दुनिया है इसमें हम आपको कहाँ ढूंढेंगे और किसको पूछेंगे कि भगवान आप कहाँ आ गए हो क्या है। तो वो थोड़ा दिल के अंदर ये बात रह गई और यूं हमारा लौकिक जीवन बहुत ही सुखी था और बहुत ही संपन्न जीवन था। और ऐसे जीवन में कुछ हमको ये कुछ मार्जिन नहीं रहती थी कि भगवान की भक्ति करे, तप जप करे या होम हवन कर्मकांड क्रियाएं करे, ऐसा कुछ आवश्यकता उस समय पर दिखाई नहीं दे रही थी और बस बड़े सुखों में खुशियों में पल रहे थे। और माँ बाप का भी है कि खाओ पियो बच्चे मौज करो, ये उम्र तो वही आप लोगों के मौज की। परंतु ये जो 2-3 बार संकेत मिला तो उस संकेत को मैं समझ नहीं पा रही थी और उस दिन से थोड़ी जीवन के अंदर हंसता हंसता जो खेलना कूदना पढ़ना और सभी बहुत मजे के जीवन से कुछ परिवर्तन आप ही हो गया और जैसे थोड़ी मैं सीरियस रूप में आ गई। तो हमारे लौकिक घर में ये अच्छा नहीं लगा कि तू हमेशा मुस्कुराता हुआ फूल और कैसे तू गंभीर क्यों बन गई इतनी। पर ये बात उम्र के हिसाब से मैं इनको बता नहीं सकती थी और बताऊं तो मान भी नहीं सकते थे कि बेटा क्या जरूरत है ये सभी झंझटों की, अभी भगवान की प्राप्ति न मन की शांति न ये सभी क्या आवश्यकता है। तो ऐसा सोच करके मैंने फिर वो कुछ आवाज नहीं मिली तो मैंने फिर ऐसे ध्यान करना शुरू कर दिया। अभी ध्यान भी करे तो किसका करे और कहाँ करने का वो भी कुछ हमको नॉलेज तो थी नहीं और उसका कोई हमको रास्ता भी किसने नहीं बताया था। फिर धीरे धीरे हम बॉम्बे में ही रहते थे, बाबा कई बार मुरलियों में याद करते हैं माधव बाग को और लक्ष्मी नारायण के मंदिर को। तो हम फिर भक्ति करते करते साधु संत महात्माओं का कुछ सहारा पकड़ने के लिए ऐसे एक वो कागज देते हैं जिसमें 1000 बार राम राम लिखो खाली बैठे बैठे और वो राम राम के पत्र भर करके आप दीजिए, फिर वो हम आटे में मिला करके उनको गोलियां बना के समुद्र में डालेंगे और मछलियां खाएंगी, उसका आपको पुण्य मिलेगा। सभी ब्लाइंड फेथ में ही गाड़ी चलती जा रही थी। फिर ऐसा करते हमने राम राम शुरू किया लिखना, फिर कुछ एक 1,00,000 2,00,000 लिखो तो ये रामायण का पुस्तक मिला, भागवत का पुस्तक मिला। फिर घर में उनका ही अध्ययन करती थी, फिर किसने कहा या वेदांत का अध्ययन करो तो ये मनुस्मृति पंचीकरण उनका वो पठन पाठन करने लगी। फिर भी मुझे जो एक अंदर में ये आवाज है उसका जवाब चाहता था कि तू कौन है, वो कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उस टाइम पर बॉम्बे में माधव
माधवानंदचार्य आए थे, उन्होंने पुस्तक लिखे थे तू कौन ते कौन हूँ कौन ऐसा करके। तो फिर मैंने वो तुरंत ही तीन पुस्तकें मंगा करके उनकी स्टडी करने शुरू किया, तो उसमें भी कुछ ये मुझे मजा नहीं आया। फिर वो भी मैंने कहा जो मेरे दिल का प्रश्न है उनका तो कोई प्रत्युत्तर मुझे किधर मिल ही नहीं रहा है, तो वो भी छोड़ दिया। फिर सभी छोड़ करके मैं बस एक ही निश्चय, भगवान को जानती कुछ नहीं हूँ, बस शिव की पूजा करती थी। तो इस हिसाब से शिवलिंग के आगे बैठ करके साधना करने बैठ जाती थी कि मुझे ये बताइए भगवान कि अभी आपने मुझे आधा क्यों छोड़ा, आधे बीच में क्यों छोड़ा। पर माँ बाप के सामने परिवार के सामने कभी चेहरा सीरियस नहीं कर सकते थे, वो कहेंगे खेलो कूदो अपना क्या करने का जिंदगी, चार दिन की है बस खुशी खुशी से गुजारने की है। हमने कहा ये बात ठीक है पर अभी इनका प्रत्युत्तर क्या। तो ऐसा करते करते फिर हमने करीब 5-6 महीना हमारा उन्हीं ही विचारधाराओं में निकल गया। फिर उस समय पर ही ये बाबा बॉम्बे में आए, माना पहला ही आना हुआ था बाबा का, और बाबा वहाँ उस टाइम पर नहीं आए थे, लेकिन वहाँ के बहुत पुरानी बात है ये कि वाटरलू मेंशन में पहले ये सत्संग आया था, और कुछ बहनें वहाँ गई होगी जिसके साथ हमारा सहेली का रिश्ता था, तो हमारी माँ को भी वो पहचानते थे, तो उन्होंने हमारे घर में आकर के कहा कि आप, मेरी मम्मी का नाम ऐसे लौकिक में कृष्णा बहन था, बोले कृष्णा बहन आप चलिए और देखिए बहुत अच्छा नया सत्संग निकला है। तो हमारी माँ हंसने लगी, बोले सत्संग ये शौक हमने सारा खुदावरी को सुप्रत किया है, उसको लेके जाओ, हम तो खुश है हमारे परिवार में और हम नहीं समझते कितनी आवश्यकता है, इसको बहुत शौक है तो इनको ही आप लेके जाइए। तो हमारी माँ ने, मैंने कहा अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे जो जॉब चाहिए वो नहीं मिलता है तो मुझे अभी कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करने का है। ऐसा करके मैं निश्चिंत करके बैठी थी, मैं बहुत लौकिक माँ ने आग्रह किया, तो एक मेरी पहले से सिद्धांत कि बड़ों का कहना कभी टालना नहीं चाहिए, उसमें भी कुछ भलाई होगी, तो माँ को ज्यादा ये आग्रह नहीं करवाया और मैं उस बहन के साथ निकल गई। और निकल गए तो भी मेरा मन इतना मानता नहीं था, और पहली बार मैं यहाँ आई सेंटर पर, तो उस समय पर सोमवार का दिन था और बाबा के समय पर सप्ताह में 2 बार भोग लगता था, एक गुरुवार को और दूसरा सोमवार को, तो सोमवार को भी भोग ही था और उसी दिन ही मैं पहुंची थी। और मेरी एक पहले से एक नेचर थी कि कोई भी सत्संग में साधु महात्माओं के माधोबाग में भी जाते थे ना, तो मुझे कोई भी सत्संग में पीछे पीछे बैठने को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पीछे पीछे बैठने वाले कोई नींद करते हैं, कोई बातें करते हैं, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मैं हमेशा आगे ही बैठती थी और बरोबर उनके सामने ही बैठती थी, जो भी स्वामी जी महात्मा जी जो भी। तो मैं वो यहाँ जैसे मैं गई तो थोड़ा लेट हो गया था, तो सारी क्लास भर गई थी और प्रशांत दादी भोग लगाने बैठ भी गए थे, तो मैं गई तो मुझे लगा कि अरे बहुत लेट आए, अब इस सत्संग में तो मुझे बहुत पीछे बैठना पड़ेगा, ऐसा भी संकल्प चल ही रहा था। तो इतने में दादी ने कहा, अभी भोग लेके जा रहे थे तो दादी ने कहा कि अभी जो भी आए हैं ना वो आगे आ जावे, तो ये बात उनको कहना, और मुझे वो ही चाहता था, वो माता ने कहा आगे नहीं जा, हमारी सास जो चली थी लेकर के माता थी, बोले आगे मत जा मत जा, मैंने कहा नहीं मुझे तो आगे ही बैठने का, अभी अनाउंस हुआ ना कि जो भी अभी आए वो आगे बैठे तो मैं तो आगे बैठेगी, बोले मैं पीछे बैठ, मैं आप भले पीछे बैठिए मैं आगे बैठती हूँ। ऐसा करके मैं आगे बैठ गई और वो पीछे बैठी, और दादी वतन में भोग लेकर के गई, परंतु मेरे लिए तो सभी नया नया था,
मुझे सभी आश्चर्य लगे कि क्योंकि ऐसा कभी मैंने बहुत सत्संग किया। बाबा ने 12 गुरु किए, चलो अपने ब्रह्मा बाबा ने, और बाबा का लास्ट गुरु लालजी महाराज। और लालजी महाराज की जो शिष्या आनंदी माँ, वो लौकिक में वो मेरी गुरु लगती थी। तो उसका इस हिसाब से बाबा और अम्मा हम देखा जाए तो गुरु बंधु जैसे हो गए। वो तो बाद में तीसरी पहचान निकली। तो हमने बहुत सारे सत्संग किए थे, तो ये तो बहुत ही नया नया, संस्कृत सीखो, कोई पढ़ो, भजन कीर्तन कर दे, ये कर दे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। और तुरंत ही अनाउंस हुआ कि सभी साइलेंस में बैठ जाओ। तो ये पहली पहली जाते और एकदम साइलेंस कैसा लगता है, तो बोला कि हम तो एकदम चुप हो गई। और हमारे गुरु ने मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय का, वो मैं जाप करती रहती थी। थोड़ी देर हुई तो लाल लाइट हो गई, व्हाइट बंद हो गई, तो घबराहट होने लगी थोड़ी देर। तो ये सभी ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ होगा तो नहीं ना मुझे, इधर मैं नई नई आई हूँ और कहीं मैं फंस तो नहीं, क्या पता नहीं ये क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देर हुई तो गीत बजने लगे, वो भी पहले टेप रिकॉर्डर तो था नहीं, तो सभी वो पिक्चर के गीत, भोग में भी वही गीत बजाते थे। तो गीत बजाया कि चलो उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। तो ये गीत बजाया तो पहले भले भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, लेकिन पिक्चर तो देखते ही थे। तो कुछ समय पहले ही वो पिक्चर देखी हुई थी, तो हमको तो वो याद आने लगा कि ये सभी क्या है यहाँ, मैं कैसे सत्संग में आई हूँ पता नहीं पड़ता है। कुछ सभी वो अलग अलग सा, ये खिड़कियां बंद हो गई, लाइट हो गई, सभी चुप हो गए हैं और पिक्चर के गीत बज रहे हैं। वो तीन ही सब पूरा ही चल उजाड़ के बजा। फिर वो गीत दूसरा, तीन के बाद और एक गीत बजा, और वो मेरे लाल आजा, तुझको गले लगा लूं, तुझको दिल में बसा लूं, वो भी मदर इंडिया में कुछ समय पहले देखा हुआ था, तो हमको वो याद आने लगी। फिर मैंने सोचा एकदम पता नहीं अचानक ही चेंजेस हो गई। मैंने कहा मैं ये सभी यहाँ बैठी हूँ बड़े संत के सामने, और मैं ऐसा, वो पहले तो मालूम नहीं था ना क्या कहा जाता है किसको। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ भी हो, सत्संग तो है ना, अच्छी बात तो है ना, मुझे कुछ विकल्प नहीं करना चाहिए और मुझे बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए मेरे जीवन को। बस इतना ही मैंने संकल्प किया। और यहाँ दादी भोग लेके वतन में गई, और उसी दिन ही मुझे भी बाबा ने वतन में बुला लिया। मैं पहली बारी वतन में गई। वतन में गई तो मुझे बाबा ने जैसे एकदम जो दृश्य मुझे बाबा ने स्वप्न में दिखाया था पहले कि बच्ची मैं आ चुका हूँ, और सेम ऐसा ही दृश्य और बाबा जैसे बाहें पसार के खड़े हैं। मैंने ब्रह्मा बाबा को पहली बार ही वतन में देखा और बाहें पसार के खड़े हैं और कह रहे हैं कि बच्ची आ जाओ आ जाओ। मैंने तेरे को जो कहा था कि मैं आ चुका हूँ वो यहाँ ही और किधर भी नहीं, और बस दिखाया कि मैं बाबा के ऊपर पूरी ही समर्पित हो गई हूँ। यहाँ ये मुझे दृश्य दिखाया। और पुष्पा दादी भोग लेकर के जो गई थी तो उसने भी वतन में ऐसा ही संदेश देखा, दृश्य देखा कि आज एक नया नया फूल आया है और बाबा के ऊपर समर्पित होते हुए मैंने देखा। तो फिर वो दादी आ गई वतन से, तो जैसे ही दादी आई तो मुझे ही देखने लगी सामने। पर अभी हमको मालूम नहीं था दृष्टि योग क्या है, बाबा क्या है, पहले वही पता नहीं था, क्योंकि उस समय पर ये साईं बाबा, मेहर बाबा, रहम बाबा, कृपा बाबा, कितने बाबा ये निकले थे। एक नहीं बहुत घूंघर वाले बाल वाले बस बाबा, कैसे कैसे बाबा ही नहीं। अभी अभी ये कौन से बाबा को याद करते हैं मुझे क्या पता, मैं तो भगवान शिव को याद करती हूँ इतना ही मालूम है। पर यही शिव है और वही इन लोगों को, ये कुछ मैं मतलब थोड़ी इसमें थी। फिर मुझे दादी ने दृष्टि दिया तो मैं आंखें नीचे कर दूं। फिर दादी मुझे ही देखती रहे घड़ी घड़ी,
तो मुझे ये लगे कि ये मुझे क्यों देख रहे हैं घड़ी घड़ी, कितने लोग बैठे हैं उसको क्यों नहीं देख रहे हैं। कोई संतों के सामने मैं देखती थी तो वो उनके चेलों को ही देख रहे थे, और ये तो कैसे अच्छे संत है जो घड़ी घड़ी मुझे देख रहे हैं। पर मुझे उनके सामने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए पता नहीं है, क्या करना चाहिए। तो मैं उनको देखूं फिर आंखें नीचे कर दूं, तब जब भी देखूं तो मुझे देख रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद मुझे कह रहे हैं कि तूने क्या देखा बोल। तो हमारे गुरु ने कहा था कोई भी अच्छी ऐसी बात आप देखते हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा आपको उसका अनुभव नहीं होगा। तो वो डर के मारे मैंने कहा कि देखा तो है मैंने, पर बोले नहीं तू बोल पहले। तो मैंने कहा कि नहीं आप बड़े हैं आप जो बोलेंगे। तो उन्होंने समझ गए कि उनको शर्म आ रही इसे नहीं बोल रही है, तो बताया कि मैंने देखो सारी सभा के बीच में ही बोला कि आज मैंने ऐसा ऐसा देखा और एक नई आत्मा आई है और बाबा ने मुझे कहा कि मैं उसको ही ढूंढ रहा था, वो फूल मुझे आज मिल गया है और वो भी फूल वो आत्मा मुझे ही ढूंढ रही थी दुनिया के अंदर और आज मैं उसको मिल गया हूँ। तो मुझे बोला कि बोल वही तूने देखा कि कुछ और देखा, मैं कहा यही देखा। तो वहां से मुझे क्या है कि एक जैसे मुझे ये तसल्ली हुई कि ये कुछ सत्संग सत्य लग रहा है, सत्यता की प्रतीति मुझे वहां से होने लगी और इतनी अच्छी होने लगी कि फिर वो दादी मुझे छोड़ी ही नहीं। फिर और हमको घर में लेट भी हो रहा था, बंधन भी थे, जल्दी पहुंचना भी था, तो दादी ने कहा कि नहीं तू बैठ, तू किसके साथ है? मैं कहा माता के साथ। बोले वो भले जावे तू बैठ जा। वो कहा कि नहीं नहीं उसकी माँ मुझे जिंदा आने नहीं देगी, उसको पहले पहुंचाना पड़ेगा घर में मुझे, तो मुझे साथ में ही लेके गई। तो दादी ने कहा कि तो मुझे एक प्रश्न का जवाब देगी क्या? तो हमने कहा कि हमको दादी दादी भी बोलना आता नहीं था, क्योंकि वो क्या प्रश्न है किसकी, मैं माता जी करने लगी। मैं कहा हाँ माता जी फरमाई आप जो बोलो। तो कहा कि तू अभी यहाँ से जा रही हो क्या सोच के जा रही हो? मैंने कहा अभी तो सोच तो मैं कुछ नहीं रही हूँ, मुझे जो मिला है ना उसका ही आनंद है, बस कोई लेके जा रही हूँ। तो तू मुझे बताओ कि अभी तेरे को बनना क्या है? अभी ये नया नया सत्संग, पहली बार का मिलन, पहली बार की मुलाकात भगवान के साथ की, मैं क्या बोलूं उसकी बात में? तो मैंने कहा कि थोड़ी देर चुप रही, तो वापस हाथ पकड़ के बिठाया, कहा कि तो सच बता तेरे को बनना क्या है? तब मैंने कहा मैं तो वो नशे में ही थी, ऊपर जो गए थे ना भगवान के पास वो नशे में ही झूम रही थी, तो मुझे तो वही अंदर में खुशी हो रही थी, आज मुझे जो मैंने चाहा था वही चीज मुझे मिली, वही परमात्मा मिला, वो प्रभु मिले, मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई, अभी मुझे क्या चाहिए, पर जीवन समाप्त हो गया बाकी आगे क्या है। तो और बाबा ने मुझे वतन में ये कहा कि बच्ची अभी तो मैंने इसलिए आपको जागृत किया है कि मेरे कार्य के अंदर आपको भी बहुत सहयोगी बनना है और मेरे कार्य में आपको बहुत आगे बढ़ना है। ये बाबा ने जैसे बोला ना श्री बाबा ने वरदान भी दिया, पर ये मैंने कुछ बताया नहीं था। जब दादी ने कहा कि आपको क्या बनना है, तो मैं के नशे में थे ना, ऊपर के नशे में, तो मैंने इतने बोल दिया इन्हों को कि माता जी पहले आप ये तो बताओ कि यहाँ क्या क्या बनाया जाता है। बड़े इनोसेंट भाव से मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या बनाया जाता है, तो वो भी हंसने लगे। तो कहते कि यहाँ तो मीरा, राधा, गोपी, लक्ष्मी, दुर्गा, नारायण। मैं कहा बस बस अभी आपने बहुत कुछ मुझे बता दिया और ये मैं अभी इतना जल्दी बता नहीं सकती मुझे क्या बनना है, क्यों?
कि आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई, उसमें से मुझे चॉइस करनी पड़ेगी और फिर उसके मुताबिक मुझे काम भी तो करना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही बोल दूं कि मैं फलाना फलानी बनेगी, और उस जैसा अगर मैंने कर्म नहीं किया, कर्तव्य नहीं किया, तो बोलने से थोड़ी कुछ हो जाने वाला है, उसके जैसा कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा कि माता जी अभी मैं जॉब नहीं देंगी, मैं आपको बाद में जॉब देंगी। तो फिर वो दूसरे दिन भी दादी का घड़ी घड़ी बुलावा, फिर क्लास में भी, फिर बाबा पहली बार वहां आए साकार बाबा बॉम्बे में, तो साकार बाबा के साथ भी मुलाकात करवाई। तो साकार बाबा तो आपको मालूम है कितना एकदम, बाबा को तो पहली बार मैंने जब भी देखा तो मैं सच्ची कहती हूँ कि मैंने ब्रह्मा बाबा को, कई लोग कहते थे कि दादा लेकर आ, पहले शुरू शुरू में हम लोग निकले ना तब ये भ्रांतियाँ बहुत थी, और कास्ट भी अलग, तो थोड़ा ये लोग लौकिक लोग तो लौकिकता में अधिक जाते हैं, तो कुछ न कुछ मतलब बोलते थे, हमको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। और घर में भी कोई कुछ बोलते थे, सगे संबंधी कुछ बोलने लगे, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका, कुछ न कुछ बोलते थे। तो हमने उन लोगों को, क्योंकि मैंने भी स्टडी तो बहुत की हुई थी, तो मैंने एक ही शब्द उनको बोलती थी कि जात में पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दीजिए ज्ञान। आपको ज्यादा बातों से क्या मतलब है। आज हिरण के अंदर में कस्तूरी छिपी हुई है, आप वो देखो, नाग में सच्ची मणि छिपी है, उसको देखो ना आप, बाहर के लोगों को क्यों देखते हो, आपकी निगाह उन चीजों के ऊपर क्यों जाती है, उन्हों के पास क्या धन है, क्या चीजें है वो देखो, उसको परखो ना। अब बाहिता के रूप में क्यों, तो उन लोगों को तो मैंने मुंह चुप्पी करवा दी बातें बता करके। और लौकिक में हमारा घर ऐसा बड़ा माना जाता था, तो आना जाना मेहमान दोपहर में खाना पीना बड़ा बहुत होता था, पर जब से लेकर के मैं ज्ञान में आई तो हमने इन्हों का ये बाहर का बना ये घर का सभी वो ज्यादा समय देना नाश्ते में खाने में, हमने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी इन्हों को ही ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत अज्ञानी है सभी। और उस समय पर 7 दिन का कोर्स जैसे अभी होता है ना, किताब के आधार पर सिस्टमेटिक सभी कराते हैं, वैसे कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं था। मम्मा हम जाते थे आते थे वाटरलो मेंशन में, तो मम्मा खुद खड़ी होकर के हमको मुख्य मुख्य चित्र ऐसे फुटपटी लेकर के समझाती थी कि ये जो है वो सृष्टि चक्र है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है, तीन देवताएं कैसे आते हैं श्री बाबा के साथ, मतलब वो जो समझाते थे ना, तो वो हमारी बुद्धि में परफेक्ट ज्ञान बैठ जाता था। और वो पता नहीं के बाद फिर मैं घर में आकर के उनका मनन मंथन करती थी और मुझे सारी बातें वो याद रह जाती थी, फिर घर में आकर के वही बातें मैं सभी को सुनाती रहती थी। जब मेहमान भी आते थे तो मैं उन लोगों का चाय नाश्ता वो सब कुछ बाद में मैं मम्मी को बोलती थी, पहले ये भोजन कराओ इन लोगों को, पहले ये इन लोगों को देने का नाश्ता हमको बाद में वो। तो वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों को तो खाली खाने पीने के लिए ना उनमें मजा आता था, वो समझते थे आज क्या, क्योंकि वो दोपहर हुई निकल पड़ते थे, शाम का खाना इधर न, रात का भोजन उधर, रात को घर में पहुंचते थे। लोग कितने होशियार होते हैं आजकल के दुनिया के, आप लोगों को देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो सारा दिन बॉम्बे के जैसे जी लाइफ में, सवेरे नाश्ता एक जगह करेंगे, खाना दूसरी जगह खाएंगे, शाम को चाय तीसरे चंपकलाल के घर में खा पी के आएंगे, और रात्रि का भोजन रमनलाल के घर में खा के आएंगे, सारा दिन बाहर खा पी कर रात को आगे सो जाएंगे। और उन लोगों का तो दिन पूरा निकल गया ना ऐसे फ्री ऑफ चार्ज में, तो वो फिर यहाँ भी ऐसे उन लोगों का दिन था। तो हमें जब ज्ञान सुनाने उन लोगों को बैठती थी तो उन लोगों को मजा नहीं आता था, और वो मेरी माँ को कहती थी कि आपकी जो ये बेटी है ना, हमको लगता है कि कुछ अलग से धर्म में चली गई लगती है, वो कुछ अलग अलग ही सुनाती है, कोई भागवत की रामायण की बातें नहीं है, वो तो आत्मा की न परमात्मा की न कुछ अलग। मैंने कहा कि अलग नहीं है, रियल बात है ये समझो मासी, ये समझो काकी, ये समझो, देखो सच्ची बात यही है, आप शरीर नहीं हो, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, ये विनाशी है अविनाशी है,
आप कुछ साथ में नहीं लेके जाएंगे, आए अकेले जाना अकेला, चला चली का खेला, दो दिन का मेला और आना अकेला जाना। ये जो उन लोगों को ज्ञान में समझा देते थे ना, तो वो कहते थे कि तेरी बुद्धि में पता नहीं किसी ने कुछ डाल दिया है। हमने हमको किसी ने कुछ नहीं डाला, भगवान ने जो ज्ञान सुना है वो हम आपको सुना रही है। तो हमारे साथ फिर थोड़े थोड़े करके लोग चलने लगे, कई लोग जाग गए बहुत ही हमारे आसपास वाले। फिर हमारे घर में ही बाबा ने कहा कि बच्चे को बोलो घर में ही भले गीता पाठशाला शुरू करे, तो घर में ही हमने गीता पाठशाला खोल दिया, मुंबई चीज बंदर करके हमारे स्थान का नाम है। 35-40 लोग आने लगे, परंतु हमें कहने का भाव कि हमने साकार बाबा को, ये स्वरूप जो साकार बाबा का था न, जब भी हमने देखा तो हम घर में भी जाती थी, बहुत बंधन भी थे तो घर में भी मैं जाती थी ना, तो मुझे साकार बाबा दिखाई देते थे। परंतु मैं खाना भी अगर पकाती हूँ खाती हूँ तो मैं ऐसा, एक दिन तो ऐसा ही हुआ कि मैं ऐसे बैठी हूँ, बाबा जैसे मेरे पास ही आ गए, मैं योग में बैठी थी घर में ही, और बाबा को ऐसा देखूं तो श्री कृष्ण दिखाई पड़े, और ऐसा करूं तो ब्रह्मा बाबा, श्री बाबा, ऐसा करूं तो श्री कृष्ण। मैं समझी नहीं कि ये सभी क्या राज है। फिर मैंने दूसरे दिन जाकर के दादी से पूछा, पुष्पा दादी से, दादी मुझे ऐसा ऐसा बस साक्षात कर होता रहता है, दर्शन होता है भगवान का, तो कहा कि तेरे को बाबा के पास मैं लेके जाऊंगी, साकार बाबा भी आने वाले ही है, मैं लेके जाऊंगी आपको। तो हमने कहा कि जरूर मिलाना मुझे, वो कौन है। तो जैसे साकार बाबा आए ना, तो दादी ने मुझे कहा कि तू मुझे पहले से ही ऐसे भक्ति में मैं जाती थी संतों के पास, तो ये गाने का बड़ा शौक था, एक जिंदगी का शौक कुछ होता ही हर इंसान को, वैसे हमको हारमोनियम पे दबड़े में गीत भजन गाने का, घर में बैठे बैठे उनकी रियाज चलती थी और वो गाने का करने का वो ज्यादा शौक था। तो संत महात्मा हमको बहुत आगे रखते थे और हमको हमारा नाम ही रख दिया था कि लक्ष्मी नारायण की बहन है, माधोबाग में ही जाते थे और वहीं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे। तो ऐसा करके हमको ये पहले से शौक था, तो मैं कभी कभी गीत बना के लेके आती थी, दादी सुनती थी बड़े प्यार से, तो बोले कि तू बाबा के आगे भी आवे ना तो गीत लेकर के आना और कोई गीत बना के आना। दूसरे दिन बाबा से मिलना, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मुझे ऐसे लगे कि मैं भगवान से मिलने कल जाएंगी, मुझे भगवान से मिलने का है। वो बाबा जिसको मैं अभी देखती थी स्वप्न में और बस ऐसे देखती थी, वो मुझे अभी सामने दिखाई देंगे, वो बाबा क्या होंगे, वो मेरा कितना ऊंचा भाग्य होगा, मेरी कितनी ऊंची लक है, भले मैं इतना बड़ा परिवार 500,000 का परिवार हमारा, उसके बीच में मैं कुछ बात तो बोल ही नहीं सकूं, उन लोगों के आगे तो बहुत गंभीर रहना पड़ता था, बहुत स्लोली चलना पड़ता था। तो मैंने उनको बस दादी ने कहा, तो मैं रात को ही गीत बनाया और मुझे कुछ पता नहीं है कुछ भी कि कौन है भगवान है कौन है बाबा ने, बस ऐसे गीत लिखा, आए शिव बाबा आए आनंद छाए, साकार ब्रह्मा के तन में आए, गीता ज्ञान सुनाए, बस मन बड़ा हर्षाए, आए शिव बाबा आए, मैंने बस ऐसे वो गीत सारा बना दिया। और सवेरे बाबा आए संदल पर बैठे, हमने बाबा को ये गीत सुनाया, तो बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, बाबा से भी दृष्टि पूरी लू नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा भी शुरू शुरू में भड़का दे कि दृष्टि आप देंगे तो जादू हो जाएगा आपको कुछ, तो उनके सामने देखना नहीं आप किसी के सामने, तो मैं ऐसे देखूं फिर ऐसे कर डालूं, बाबा मुझे देखते रहे मैं ऐसे कर डालूं। फिर दादी ने कहा कि बाबा के सामने देखो, ये स्वयं आपके सामने बैठे हैं। तो मैं बाबा को देखने लगे, बाबा मुस्कुराने लगे कि अच्छा जिसको तू याद कर रही थी बच्ची, जिसको तू ढूंढ रही थी वही तेरे सामने बैठा है, ऐसे दृष्टि। और उस समय का एक मेरा निजी अनुभव सच, एक ऐसा ही कहेंगे कि मैं नहीं समझती हूँ किसको दुनिया में
ऐसा मिलन मुलाकात का या इतना अच्छा भगवान के साथ का आत्मा का अनुभव हो, तो इतना अच्छा बाबा ने अनुभव किया करवाया। और फिर बाबा ने जैसे भी दादी को मिलते रहते थे तो वरदानों की झोली बाबा हमेशा भरते रहते थे। तो साकर बाबा पुष्पांता दादी का बाबा तो ज्योतिष भी थे, एक सेकंड में बच्चों को देखते थे तो जैसे उनकी पूरी जन्म पत्री बता देते थे बाबा। और बाबा ने तुरंत ही कहा कि ये जो बच्ची है ना, वो जब बाहर निकलेगी, माना अभी तो कुछ बंधन भी था ना, जिस्मानी बंधन भी तोड़ना तो होता ही है। और बाबा ने कहा था कि हिसाब किताब ऐसा भागने से कुछ नहीं होगा, बैठ के उनको चुप करना है और उनके सामने योग लगा लगा करके चुप करो। तो फिर बाबा ने जैसे कहा तो बाबा ने दादी को कहा कि ये बच्ची जो है ना वो सेंटर बहुत खोलेगी। तो दादी ने कहा कि बाबा ने क्या बोला, सुना मैंने कहा। तो फिर मतलब बाबा की तो वरदानों की जब भी जाते थे तो वरदानों की प्राप्ति हमेशा हमेशा होती रहती थी। तो इस तरह से बाबा का वरदान मिला और वह वरदानों से जो भोलानाथ भंडारी के श्री बाबा स्वयं भगवान जो इन्होंने वरदानों से झोली भरी, तो कहने का भाव कि आज अभी तक भी उस समय पर हमारी उम्र समझो 15 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं 19 साल में तो बाबा के घर में आई थी। और वो बढ़ते बढ़ते इतना जैसे कि बाबा का इतनी समीपता का मुझे एहसास होता था, मैं जो कदम उठाऊं और अभी भी मुझे कदम कदम पे बाबा का जैसे ऐसा ही भास होता रहता है कि बच्ची कदम कदम पे मैं आपके साथ हूँ। अभी जैसे एक अवित्रवाणी चली ना कि बच्चे आप एक कदम आओ हजार कदम मैं आपके साथ हूँ। पर एक कदम हम चले तो सही ना। तो आज के समय में हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, सभी कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। आज का माहौल देखो दुनिया का कहां जा रहा है, कितना बिगड़ता जा रहा है। बाबा का ऊपर से डे नाइट संदेश आ रहा है कि बच्चे आप तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, अचानक का खेल चल रहा है, एवर रेडी बनो, बहुत समय का अभ्यास करो। ये बाबा के मावा कह रहे कि नहीं है अवित्त में। ये साल पूरे साल में बाबा ने हम बच्चों को कितनी शिक्षाएं दिया है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि बस अभी बाप के समान संपन्न बन जाओ। अभी संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। तो बाबा हमें वतन में भी, जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे वतन में भी बाबा इतना एहसास कराता है कि तीव्र पुरुषार्थ में बच्चे है। तो यही जो बाबा ने कहा है, चार सब्जेक्ट हमको दिया है जो ज्ञान योग धारणा सेवा, उन चारों ही सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं परफेक्ट बनने का आप पुरुषार्थ करो। आप में थोड़ा भी डिफेक्ट रहेगा तो आप बेदागी हीरे नहीं, बेदागी हीरे नहीं कहलवाएंगे, दागवा रहेगा। थोड़ा भी दाग होगा माना आप इतना सोचो कि बाबा हमें 1937 से लेकर के अभी तक इतना पुरुषार्थ करवा रहा है। बस हम सभी 1937 से नहीं जाग गए हैं, जिस दिन से जो भी आत्माएं जागी हो वो दिन से लेकर के आज की घड़ी का हिसाब करो
वो 1937 से शिक्षाएं तो सभी मिल रही है ना अभी भी, और अभी बाबा को आए कितने साल हो गए, अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी हम कौन सी श्री जयंती मनाएंगे, 73 हाँ 73 में आएंगे ना हम, 73 साल हुए ना हमको, फोर आएगा अभी 73 में हम चल रहे हैं ना, तो कहाँ 1937 और अभी 2073 माना 2010 में 2009 में माना 73 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आप सोचो कि 37 से उल्टा आंख अभी 73 हो गया है, कितने साल हो गए भगवान को आए। साकार में भी बाबा ने दादियों ने सभी ने हमें पालना कोई कम दिया, और अभी भी अव्यक्त वतन की पालना हमें कोई कम मिल रही है, अभी उनका रिटर्न हमें करना है, रिटर्न देना है, तो इसलिए हमें यू टर्न करना है। अब यू टर्न करके आपका समय नहीं लेना चाहती हूँ, दो मिनट में पूरा ही कर रही हूँ। अभी यू टर्न में हमें क्या करना है, छोटी सी बात यही बताती हूँ कि बाबा ने आज इतना बड़ा यज्ञ रचा है, कोई कम यज्ञ है ये, गीता ज्ञान रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ। अभी लास्ट इस यज्ञ के अंदर हमें बस यही आहुति डालने का दृढ़ संकल्प करना है कि हमारा मन वचन कर्म क्या करेंगे, क्या करेंगे, आवाज क्यों नहीं निकल रही है, स्वाहा, कौन सी आवाज निकलनी चाहिए, स्वाहा, ऐसी आवाज से थोड़ी स्वाहा हो जाएगा। जो यज्ञ रचते हैं आपने देखा होगा लौकिक में यज्ञ, हाँ जो यज्ञ रचने वाले मम्मा और बाबा है, दादियां हैं, दादियों के साथ हम सभी बैठे हैं, तो जो आगे आगे ब्राह्मण बैठते हैं ना, तो वो तो कितने जोर जोर से स्वाहा स्वाहा करते हैं, बाकी वो जो पीछे पीछे बैठते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, वो बहुत स्लो स्लो बोलते हैं ना, वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, आगे वाले ब्राह्मण मंत्र जप करके कहते स्वाहा स्वाहा ऐसा से बोलते हैं ना, हाँ, और पीछे पीछे वाले कहते हा 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 हा, उन्हें को मतलब ही नहीं है कुछ स्वाहा करने का, वो समझते आगे वालों ने स्वाहा किया उसके साथ हमारी भी अंगुली लग रही है, आरती उतार दे भक्ति में, तो एक की पीठ पीठ की पीठ पीठ की पीठ एकदम लास्ट में कोई पीठ पकड़ के कहता है हमारा विनम्र भगवान के पास लग जाता है, पर ऐसा नहीं होता है, जो करता है वही पाता है, वो कर्मों का आदल इंसाफ है, वो तो थियरी में हमको जाना नहीं, अभी समय नहीं है, परंतु कहने का भाव कि हमारे अंदर से जिगर से अभी यही निकलना है, हमको 11 बातें स्वाहा करनी है। एक तो हमारा मन स्वाहा, वचन बाबा की मधुर वाणियों, हमारा कर्म जो भगवान ने कर्म किया, साकार मम्मा ने बाबा ने दादियों ने, वही कर्म करके हमको दिखाना है। कहते हैं आज भी तो हम कर्म अपना कर रहे हैं, वही कर्म, कितनी बातें हुई, 3 हुई, और फिर मन वचन कर्म और तन बंधन। हमारा तन, आजकल का तन क्या है, रोगी है कि निरोगी है, अभी रोगी तन को भी संभाल के क्या करेंगे, भगवान के हवाले करें, भगवान भी कहते आपका तन मुझे भी कोई काम का नहीं है, पूरा रोगों से भरा पड़ा है, एक तो अंदर में विकार भी कितना था, मैंने धक्का मार मार के निकालता हूँ, फिर वापस सब काम के हवाले, वापस क्रोध के हवाले, वापस मोह के हवाले, अभी सारी वाणी पूरी क्रोध के ऊपर चली है ना, अव्यक्त वाणी, मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ छोड़ो, फिर दूसरे दिन देखो तो बच्चे को पास वही चीज खानी पड़ी है, क्रोध को बाबा हमने क्रोध को बहुत छोड़ दिया, गुस्सा थोड़ा थोड़ा, लोभ बाबा ज्यादा नहीं पहले से बहुत कम है, मोह आता है, आता भी है तो जाता भी है, और सबसे बड़ा देवी मन, तो छोड़ा गया, बाकी हमने बाबा का बन करके बाबा की 21 क्षणों की प्राप्ति के आगे तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्या छोड़ा है, और छोड़ना कहना भी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक छूट जाना चाहिए, भगवान मिला दो, तो इसलिए मन वचन कर्म और तन मन धन, ये सभी हमारा स्वाहा हमारा है ही क्या,
हमें सब कुछ बाबा को दे दिया तो बाकी हमको संभालना क्या है। हमको तो और भी हम निश्चिंत हो गए, बाबा ने हमें कितना निश्चिंत कर दिया। कभी जब बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, क्या बात है बताइए, कोई बात है डरने की? भगवान हमारे साथ है, डरो एक बेहद के बाप से और इस दुनिया के पाप से। कोई विकारों के अधीन तुम्हारा कर्म न हो, कोई कदम न हो। ये छह बातें हुई और चार बातें और है। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बताया है कि आपका अभी समय सफल करो, समय इतना भी वेस्ट नहीं करो, उसको वेस्ट करो, गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। और हमारा संकल्प कभी भी अशुद्ध नहीं चलना चाहिए, व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। कहते नेगेटिव थॉट्स बंद करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। अरे करने से ऐसा नहीं होगा, खुद को करना ही पड़ेगा पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमारा समय, हमारा संकल्प, श्वास श्वास मीरा किसको याद करती थी, गीजर को, सीता किसको याद करती, बीके बाबा के ब्राह्मण बच्चे किसको याद करेंगे, बाबा को। तो श्वास श्वास हमारा बाबा 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 के सिवाय और कोई धुन ही न हो, और हमारी शक्ति भी बाबा के कार्य में ही लगे। किसके लिए बचा के रखना है, हमारी शक्ति पूरा संदेश देने में बाबा का, जो मिला हमारी शुभ भावना, इस साल में जो वाणी बाबा की चली, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना। तो छह बातें वो, चार बातें लिए, समय, संकल्प, शक्ति और समय, सभी हमारा बाबा के स्वाहा, सभी बाबा के अर्थ लगे। और लास्ट एक बात, ये सभी स्वाहा हम यज्ञ में तब कर सकेंगे कि जब हमारा देह अभिमान मिटा हुआ रहेगा। अगर ईगो है, बॉडी कॉन्शियस है, रूहानियत नहीं है, बाबा को मैं कितना समझाना पड़ता है, दृष्टि वृत्ति कृति प्रवृत्ति, आप अभी ऐसी निवृत्ति में आकर के भगवान का घर का अनुभव करो, अब यू टर्न लेकर के ऊपर का अनुभव करो। अभी हम अभी मैं एक बार बाबा के पास, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अभी देरी हो रही है फिर भी कुछ आपको बोलने की दिल होती है, तो बस इतनी लास्ट की बात है कि बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची सभी बच्चों को जाकर के कहो कि सारे दिन के अंदर एक बार मेरे से मुलाकात तो करो, आओ मेरे पास आओ, आओ बच्चे आओ, मुलाकात के साथ कुछ बात तो करो ना, आप सभी से बातें करते हो, मैं तो कहां सबका खुदा दोस्त हूँ, आप जमी दोस्त थे, जमी दोस्त से खुदा दोस्त बनाया, और मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, आप आओ मेरे पास, दो घड़ी बैठ जाओ चुप करके, साइलेंस बैठो, खूब शांति 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 में चले जाओ, आओ बैठो, बड़ा मजा आएगा। पर ये सभी कभी होगा जब इतनी स्थिति में हमारी पावर होगी, और जब स्थिति हमारी इतनी एक लव लगन में, जिसको बाबा ने अभी लास्ट अव्यक्तवाणी में बाबा ने बताया ना कि इज इन डेंजर, कि अभी आप कमाई नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, हाँ उसके लिए अपॉइंटमेंट का आप चार्ट बनाओ, चार बातों का, कि चार बातें याद है कि भूल गए, सबसे पहले मिलन, फिर वर्णन, फिर लगन, फिर मगन, ये चारों ही बातों में हमें कैपेबल बनना है। सबसे पहले मिलन भगवान से मनाना है, मुख से वर्णन भी उसका ही हो, और लव लगन में बस मगन हो जाना है। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो हमारी न दृष्टि जाए, न वृत्ति जाए, न चेहरा जावे, कई के बाबा के कमरे में बैठते हैं, रूरियन बाबा से करते, बाबा आप कितने अच्छे हो, कितने मीठे हो, क्या पाए क्या बाबा, आपकी तो कमाल है, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा आप भी आ गए क्या, क्या है चलता घूमता फिरता, ये क्या है मेडिकल मोबाइल है, ऐसी स्थिति में एकदम दृढ़ता से बैठ जाओ, संकल्प करके मुझे आज बाबा से बात करके ही उठने का, तब तक मुझे यहाँ से उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए। प्रवृत्ति सभी की पावरफुल रहती है, चाहे सेंटर पे रहो चाहे घर में रहो, लेकिन कुछ समय निश्चिंत करो, अपने चार्ट बनाओ, कुछ समय निश्चिंत करो। हमने अपना समय निश्चिंत सवेरे अमृत वेलम कर देती है, बाबा ने कहा आपके जैसा कोई बड़ा आदमी नहीं है दुनिया में, वो वीआईपी, अब तो वीवीआईपी हो,
खैर मतलब भविष्य में जो भी बनेंगे पुरुषार्थ होगा वैसे ही बनेंगे, लेकिन हमें अपने चार्ट वाले पुरुषार्थ को तो हमें यहाँ देखना है ना। हमें ऐसा नहीं कि अभी मैं भविष्य में महाराजा बनूंगी महारानी बनूंगी तो यहाँ से एक्शन वो शुरू कर दूं। मैं तो महाराजा नहीं हूँ महारानी हूँ, मुझे सभी नौकरी वैसा कुछ नहीं, मुझे वो पुरुषार्थ करना है, मुझे अपने प्रारब्ध बनाने की, मुझे केवल मुझे ही देखने का है, दूसरों को नहीं देखने का। मुझे दूसरों को देख करके क्या करने का है, मुझे फॉलो मामा बाबा को करने का है, साइड सीन के वो मुझे नहीं करना खड़ा रहने का है। मुझे जिस जंक्शन से ट्रेन मेरा चली है, चाहे कितना भी कोई भड़कावे, कितना भी मुझे कोई बहकावे, कितना भी मुझे आसक्त करे, वैभव हो वस्तु हो या व्यक्ति हो, नहीं अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें प्लेटफॉर्म पे मिलती है, बूम लोग करते हैं, गरम चाय गरम वाला फलाना ढिमका सभी करते हैं, हमारा क्या लेना देना है उससे, कोई लेना देना है, हमको चाहिए क्या कुछ, हमें अपना पोता मिला हमारे साथ रहता है, हमको वो साइंस को बाबा कहते हैं साइंस को देखना ही नहीं है, लाइट माई डिवाइन साइड उसमें हमको पलना है उसमें रहने का है। ऐसा जब तक दृढ़ता पूर्वक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं देखना फिर आपको बड़ा पछताना पड़ेगा, इसलिए अभी भी समय है, लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तब तक मार्जिन है पुरुषार्थ करने की, देह भान छोड़ने की और देह अभिमान छोड़ करके दृष्टि में वृत्ति में रूहानियत और ऐसी रूहानियत, इतनी रॉयल्टी इतनी प्यूरिटी इतनी रियलिटी, रोज तीन कप पिए पियो, तीन कप टी, रियलिटी रॉयल्टी और प्योर टी, ये टी है ना, तीन तीन चाय का कप बस हो गए सारे दिन में, ये तीन कप टी पियो तो आप ताजे और तरावटी माल ज्ञान का खाते रहो तो शक्ति भरपूर रहेगी और वही शक्ति से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सारा ब्राह्मण परिवार मिलकर के अभी हमें यही पुरुषार्थ करके बाबा को दिखाना है। ओम शांति।